हसीना के लड़के निकल गए और चल गए भाइयों के ऊपर, और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ गए। पाकिस्तान को भी बाय द वे मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड साज डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। तो मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मैं तो मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेंगे, क्योंकि पुराने प्लेयर्स एक्सपीरियंस लॉट को आप खिलाया उनके साथ मैच हार गए, नए लॉट को लेके आए उनके साथ मैच हार गए, सो कप्तान आपने बदल दिया उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बाबर आजम जो है वो अंडर प्रेशर है, मिडल ऑर्डर आपका कोलैप्स कर जाता है, आपको एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ता है फिटनेस इश्यूज की वजह से, एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाने पड़ जाते हैं बैटिंग इश्यूज की वजह से, आपकी फील्डिंग ठीक नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी आपके टैक्टिक्स ठीक नहीं थे। इतनी एम्बेरसमेंट और इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी एनाइलेशन, इतनी डेस्पोडेंसी, इतनी बेचारगी मैंने नहीं देखी यार। कोई मुझे तो बहुत शर्म आ रही है और एम्बेरसमेंट हो रही है, बहुत सारी मैंने बड़ा अपोलोजेटिक शो करना, बहुत सारी अपोलॉजीज, बहुत गलतियां भी की हमने, कुछ लोगों को ऐसों को सपोर्ट कर दिया। टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा, क्योंकि जब आप चैनल सर्व कर रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट मिल रही है और क्वालिटी की और क्लासिक क्रिकेट मिल रही है चैनल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के लिए क्यों कोई रोके, क्या डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए रुके, या कि कितना नीचे इनकी परफॉर्मेंस गिरेगी उस हिसाब से देखे। सो स्पीचलेस भी हूं, डिसअपॉइंटेड भी हूं, इसलिए कि हम भी इसी कैनवस के हिस्सा हैं, जब पाकिस्तान हारता है तो हमें बहुत जबरदस्त चोट लगती है। डूब के भी नहीं मर सकते क्या तुम लोग? पहले बाबर आजम चुल्लू पर पानी में डूब गए, पकड़ के पेल पाल के फसाद यही कह रहा है अबे हम तो हमेशा ही हार रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, मैंने हरा दी तो क्या हुआ। हम स्क्वैश में लेते हैं तो बड़े बड़े नाम आपके सामने आ जाएंगे, वो भी इस मुल्क में ही परवान चढ़ी, ऊपर गई, बहुत ऊपर गई और यहीं पे दफन हो गई। फिर हम हॉकी को लेके आते हैं, हॉकी की भी पार्टीशन के बाद इंडिया पाकिस्तान ने डोमिनेट किया वर्ल्ड हॉकी के ऊपर, बहुत ऊपर गए, ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, बहुत ऊपर गए और हमारे आंखों के सामने ही दफन हो गई। क्रिकेट को दफन करना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे आंखों के सामने परवान चढ़ी, ऊपर गई, बहुत ऊपर गई, चैंपियन ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप T20 जीते, वर्ल्ड कप 50 ओवर जीते, और हमारे आंखों के सामने दफन हो गई। बस फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुमने जो पाकिस्तान का जो यंग जनरेशन है उनको तुमने मैसेज दिया बेटा क्रिकेट खेलना छोड़ दो, वरना ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम तुम्हारी दूर पर रोटियां लगाओ, क्रिकेट यही खेलेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। पाकिस्तान ने पाकिस्तान को चित कर दिया है और कहना पड़ेगा कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब शोबों में बहुत ही आला परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तान से माइल्स अहेड थे। पाकिस्तान को भी बाय द वे मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड साज डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। यंग ये बॉलिंग अटैक था वो भी माना, मगर ये बॉलिंग अटैक उन्होंने पिक किया, पोटेंशियल बल्लेबाजों की इन्होंने देख के उनको खिलाया, फिटनेस के इश्यूज ये जो कोट करते हैं इनको पता था, इन फिटनेस के साथ जो है पाकिस्तान टीम उतर रही है तो क्या तोड़ करना था। ये दोनों टेस्ट मैच जो है ऑलमोस्ट 4-4 दिन में हारा है पाकिस्तान। लेकिन टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा, क्योंकि जब आप चैनल सर्व कर रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट मिल रही है और क्वालिटी की और क्लासिक क्रिकेट मिल रही है चैनल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के लिए क्यों कोई रोके, क्या डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए रुके, या कि कितना नीचे इनकी परफॉर्मेंस गिरेगी उस हिसाब से देखे। क्योंकि जो एक अट्रैक्टिव पैकेज है ना एज अ टीम, उसमें जो इंडिविजुअल स्टार्स है, टीम तो छोड़ ही दे क्योंकि टीम अट्रैक्टिव पैकेज बनती है जब आप जीतते हैं, इंडिविजुअल स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्व करते करते आप शायद पाकिस्तान के लिए ना रुके। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है तो आप बाकियों को कौन देखने वाला है। सो स्पीचलेस भी हूँ, डिसअपॉइंटेड भी हूँ, इसलिए कि हम भी इसी कैनवस के हिस्सा हैं, जब पाकिस्तान हारता है तो हमें बहुत जबरदस्त चोट लगती है। और बहुत मैंने टर्मोइल्स देखे, पाकिस्तान क्रिकेट के रिबेलियंस देखे, बॉल टैम्परिंग की एक्विजिशंस देखी, बॉल टैम्परिंग प्रूव होते हुए देखी, देन ऑफ कोर्स मैच फिक्सिंग, गैम्बलिंग, ये सारा स्पॉट फिक्सिंग, उसके अलावा रिबेलियंस, इवन 81-82 जिस वक्त जावेद नियादत ऑस्ट्रेलिया टूर की वापसी के बाद अहेड ऑफ द श्रीलंकन सीरीज वो रिबेलियन हुआ था, 10 प्लेयर्स ने रिफ्यूज किया था, फिर ही हैड टू स्टेप डाउन, वो देखा। इतनी एम्बेरसमेंट और इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी एनाइलेशन, इतनी डेस्पोडेंसी, इतनी बेचारगी मैंने नहीं देखी। वो एजाज है जो सिर्फ इंग्लैंड को हासिल था, जो उन्होंने रिसेंटली 2022 में 3-0 वाइट वॉश किया, वरना पाकिस्तान 1954-55 से लेके आज तक कभी भी ना इंडिया से वाइट वॉश करवाया उन्होंने एट होम, ना वेस्ट इंडीज की उस वाली टीम जो कि 80-81 में आई थी, बंदे की टांगें कांपती थी उस टीम को देख के, जिसमें माइकल होल्डिंग्स, लेस्टर क्लार्क, कॉलिन क्रॉफ्ट, जोएल गार्नर, मेलकम मार्शल सिर्फ बॉलर्स थे और विव रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रेनेज, डेस्मंड हेन्स, क्लाइव लॉयड बैट्समैन थे। उससे हमने वाइट वॉश नहीं कराया, हमें ऑस्ट्रेलिया वाइट वॉश नहीं कर सका, हमें साउथ अफ्रीका वाइट वॉश नहीं कर सका, लेकिन बांग्लादेश से वाइट वॉश हुए हैं। या कोई
मुझे तो बहुत शर्म आ रही है और एम्बैरेसमेंट हो रही है बहुत सारी। मैंने बड़ा अपोलोजेटिक शो करना है। देखो क्रिकेट को प्यार आते हैं, देखिए ना पाकिस्तान में एक स्पोर्टिंग कंट्री था यहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत चाहते थे और लोग सपोर्ट करते थे और जिसमें आप देखें और बहुत सारे अच्छे एथलीट्स आए और कम्पीट किया उन्होंने। हम स्क्वाश में लेते हैं तो बड़े बड़े नाम आपके सामने आ जाएंगे, वो भी इस मुल्क में ही परवान चढ़ी ऊपर गई, बहुत ऊपर गई और यहीं पर दफन हो गई। फिर हम हॉकी को लेके आते हैं, हॉकी की भी पार्टीशन के बाद इंडिया पाकिस्तान ने डोमिनेट किया वर्ल्ड हॉकी के ऊपर, बहुत ऊपर गए, ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, बहुत ऊपर गए और हमारे आंखों के सामने ही दफन हो गई। क्रिकेट को दफन करना तो नहीं बोलेंगे लेकिन हमारे आंखों के सामने परवान चढ़ी ऊपर गई, बहुत ऊपर गई, चैंपियन ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप T20 जीते, वर्ल्ड कप 50 ओवर जीते एक रोजा और हमारे आंखों के सामने दफन हो गई। बस इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी जब भी कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। आज पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट को ताबूत में कील नहीं ऐसी जगह दफना दिया भाई, दोबारा निकलने की यूएसए को बुलवा दिया उन्होंने, यूएसए एरन जोन्स भी, मुनान पटेल भी, सब बुलवा दिया उन्होंने कहा हमें अब हम रोकेंगे। तारीख रकम करते हैं जिल्लत के लफ्जों में तामीर करते हैं, इनके पास ना मुंह छुपाने को ना मुंह दिखाने को बल्कि कुछ है ही नहीं इनके पास, कुछ भी ऐसा क्या बोलते हैं आज बैठ करके, वो जिस अंदाज से आज बैठ के मुस्कुरा के उन्होंने लोगों को टालने की कोशिश करी, नाकाम और नामुराद टांगे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट में उतना कोई नहीं, मतलब पहले बाबर डूब के भी नहीं मर सकते क्या तुम लोग, पहले बाबर आजम चुल्लू पर पानी में डूब के पकड़ के पेल पाल के खुशहाल यही कह रहा है अबे हम तो हमेशा ही हार रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, नहीं हरा दी तो क्या हुआ, वो ये कह रहा है ये जो नाजायज 120 ओवर की टांगे मुझ पर लाद दी गई है 10 महीने में, हमने T20 और 50 ओवर में जिल्लत उठाई, वही जिल्लत हमें घंटे के किंग शबेराती और न जाने कौन कौन सी, मेरा नसीब मेरा शाहीन ड्रॉप हो गए, बच्चे खिलाने पड़े, फोरकास्टिंग तो हमने बस यही तय करना था कि एक स्पिनर डालें के फास्ट बॉलर, तो हमने अबरार डाल ली, इन्होंने ही आग लगाई है, इन्होंने ही घर जलाया है, घर को लगी आग, घर के ही चराग से बर्बाद कर दी इसने क्रिकेट, अबे 70 रन नहीं है इसके 4 इनिंग में, रावलपिंडी के फिलेट्रॉन डेक पे डूब के क्यों नहीं मर जाते, ये कब ड्रॉप होंगे, 13 इनिंग में सरफराज की 38 की एवरेज है, ये ड्रॉप नहीं हो रहा वो ड्रॉप हो गया, अरे ये कन्हैया बेगैरत है बेगैरत, ये नाजायज क्रिकेट की पैदाइश है जो 2% की जिल्लत आमेज नाम लेके जिंदा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर और अपने आप को कहते हैं हम राज कर रहे हैं, राज नहीं तुम्हारे में डाल देगा, फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुमने जो पाकिस्तान का जो यंग जनरेशन है उनको तुमने मैसेज दिया बेटा क्रिकेट खेलना छोड़ दो वरना ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम तुम्हारी तंदूर पर रोटियां लगाओ, क्रिकेट यही खेलेंगे, ये अफगानिस्तान से हारेंगे यही खेलेंगे, ये यूएसए से दम घुटवाएंगे हमारा यही खेलेंगे, ये आयरलैंड से भी T20 आ रहे, न्यूजीलैंड डी से भी बराबर किया, अब इन्होंने बांग्लादेश से लगातार अपने घर की पिच पर 2 टेस्ट वन साइडेड हार का लानत फेर दी। दोस्तों बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उनकी घर में 2-0 से हरा के व्हाइट वॉश करके इतिहास रच दिया है। ये सीरीज शुरू होने से पहले पाकिस्तान मीडिया बहुत बड़ा बड़ा फेंक रहा था कि हम बांग्लादेश को 2-0 से हराएंगे, उसके बाद इंग्लैंड जो पाकिस्तान का दौरा करना है उनको भी हराएंगे और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेंगे भारत के साथ और भारत को भी हराएंगे। दोस्तों पाकिस्तान का जो सपना था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना और भारत को हराना, वो सपना ही रह गया क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट को रावलपिंडी में दफन कर दिया है और जिस तरीके से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है वो देख के सारा पाकिस्तानी शर्म से डूब गया है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट फैन हो या पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हो या पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हर कोई कह रहा है इससे ज्यादा शर्मनाक हार उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी थी।